मुंबई की तेज रफ्तार में अपनी रफ्तार मिलाने के लिए डब्बे वाले अब साइकिल की जगह खाना डिलीवरी करने के लिए मोपेड का सहारा लेंगे। डब्बा वालों के लिए आज बेहद ही खास दिन है। मुंबई की पहचान डब्बा वालों की रफ्तार बदलने वाली है। डब्बों की डिलीवरी के लिए अब साइकिल की जगह ये मोपेड का इस्तेमाल करेंगे और सफेद टोपी की जगह लगा होगा हेलमेट। 10 से 12 हजार रुपए महीना कमाने वाले डब्बा वालों को मोपेड खरीदने के लिए कोई बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं था। इस काम में सांसद शिवराज पाटिल ने इनकी मदद की। शुरुआत में 50 डब्बा वालों को नई चमचमाती मोपेड मिली है। के डब्बा वालों के मैनेजमेंट की दुनिया कायल है। जमाने की रफ्तार से अपनी रफ्तार मिलाने के लिए मोपेड लेने के बाद इनकी स्पीड बढ़ेगी और डिलीवरी के ऑर्डर भी। लेकिन ये बाइक लोन पर है, इसलिए लोन चुकाने के लिए डब्बा वाले बाइक से शाम को ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों के लिए डिलीवरी करेंगे। नवी मुंबई से नीलेश पाटिल के साथ आज तक। तो मुंबई मेट्रो में अभी के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार भी रहेंगी खबरें जारी। आप देखते रहिए आज तक।